आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। श्योपुर, फसल के पेमेंट को लेकर एक वर्ष से चक्कर लगा रहे किसान, व्यापारी नहीं कर रहा फसल का भुगतान। मामला श्योपुर जिले का है, जहां लगभग 15 महीने पूर्व बेची धान की फसल का व्यापारी अभी तक भुगतान नहीं कर रहा। किसानों ने बताया कि हमने करीब 15 माह पहले व्यापारी पुनित मंगल को धान की फसल बेची थी, उसके द्वारा हमको अभी तक भी फसल का भुगतान नहीं किया गया। किसानों ने इस मामले की शिकायत श्योपुर कोतवाली पर भी की थी, जिसको एक वर्ष बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज किसानों द्वारा श्योपुर तहसीलदार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया और व्यापारी से फसल के भुगतान की गुहार लगाई। व्यापारी पुनित मंगल और कैलाश मंगल, इन दोनों ने धान की फसल खरीदी है, लेकिन पैसा अभी तक नहीं लौटाया। पहले भी हमने प्रशासन को इस संबंध में ज्ञापन दिए, लेकिन अभी तक उचित कार्रवाई नहीं हुई। हमने ज्ञापन दिया और मांग की कि किसानों का भुगतान कराया जाए, और प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि आजकल बुलडोजर मामा के नाम से प्रसिद्ध हो रहे हैं, तो किसानों का पैसा हड़पने वाले व्यापारी के मकान को जमींदोज किया जाए और व्यापारी की संपत्ति से वसूली कर किसानों को भुगतान कराया जाए, अन्यथा की स्थिति में हम धरना देंगे और भूख हड़ताल करेंगे। श्योपुर से राहुल गुप्ता की रिपोर्ट। व्यापारी पुनित मंगल और कैलाश मंगल, जिसने धान की फसल खरीदी है, धान की उपज किसानों को खरीदी है, उसने वो पैसा अभी तक नहीं लौटाया है। किसानों ने अनेक बार शासन प्रशासन को आवेदन दिए है, ज्ञापन दिए है, लेकिन अभी तक उचित कार्रवाई नहीं हुई है। आज फिर से हमने ज्ञापन देकर मांग की है किसानों का पैसा लौटाया जाए और उक्त व्यापारी पर कार्रवाई की जाए। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी हम अपील करते हैं, आप बुलडोजर मामा के नाम से प्रसिद्ध हो रहे, तो ऐसे किसानों का पैसा हड़पने वाले व्यापारी के घर संपत्ति को जमींदोज किया जाए, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, किसानों का पैसा वापस लौटाया जाए। अगर वास्तव में आप किसान हित से मुख्यमंत्री है, तो अन्यथा की स्थिति में हम क्षेत्र के पीड़ित किसानों के साथ अनिश्चितकालीन धरना देंगे, भूख हड़ताल करेंगे।